Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome back to another Sarojini exploration video. I think more than 5 to 6 months. मैं लास्ट आई थी अप्रैल मई में जब मैंने पूरी समर कलेक्शन एक्सप्लोर करी थी. अब मैं फाइनली विंटर्स में आ गई हूँ विंटर कलेक्शन देखने. सो हम मेट्रो से गए थे और बाय चांस हम मेट्रो के पीछे वाले गेट से एक्सिट हो गए बिकॉज हम बातें करते हुए आए थे. बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे मार्केट ही अलग लगी हुई थी. जब आप मेट्रो से एग्जिट करोगे ना पीछे वाले गेट से और मेन एंट्री तक जाओगे, रास्ते में आपको इतनी सारी शॉप्स मिलेंगी जो ब्लेजर सेल कर रही हैं, बेसिकली कोट्स, ब्लेजर्स, विंटर वेयर, देन दीज एक्सेसरीज. ये 50-50 rupees ईच की थी. ये क्लचर्स, ये सारे सेलर्स मार्केट के अंदर के नहीं है, मेट्रो स्टेशन से मार्केट के बीचों स्पेस है वहाँ पर बैठे हुए थे. ये कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, सो डिपेंडिंग ऑन द डे यू गो. पर बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन थी, इनके प्राइजेस भी कंपेरेटिवली लो थे. हम गए थे वेनसडे आफ्टरनून में, यू कैन से आई वुड से अर्ली मॉर्निंग आया करो, जल्दी बेटर रहता है. ये क्लचेस भी हमने देखे जो 100 रुपए के 4 मिल रहे थे, नॉट एट ऑल अ बैड डील. इसमें वुलन वाले भी थे, वो फरी वाले, विंटर बीची वाले जो मिलते हैं, देन दीज स्मॉल रेगुलर पर्ल वाले क्लचर्स. सो डेफिनेटली अगर आप ऐसे क्लॉक क्लिप्स या फिर क्लचर्स देख रहे हो, ये 100 के 4 इज़ नॉट एट ऑल अ बैड डील. और फाइनली ये पूरी जो बाहर की मार्केट एक्सप्लोर करते करते हमें घंटा लग गया था और अंदर हम फाइनली अब एंटर कर गए. वेनसडे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा रश था, आप देख सकते हो, बिल्कुल लग रहा कि मैं वीकडे में आई हूँ. एंटर करते यहाँ पे ऐसे आपको एक्सेसरीज वाले दिखेंगे, बहुत सारे जो ज्वेलरी मेकअप के आइटम रख के बैठे होते हैं, ऐसी वाली एक्सेसरीज आपको इजीली 70-80-100 rupees की मिल जाती है, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. सो अगर आप कॉलेज गोइंग हो, इंडियन वेयर के लिए कुछ देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगी. एंड एज यूजुअल द रश वॉज एक्सट्रीम, मतलब इतने रश में ना काफ़ी बार शॉपिंग भी नहीं हो पाती. हमने सोचा वीकडे में जाएंगे कम भीड़ मिलेगी, बट वी वर रॉन्ग. अब तो आप सरोजनी कभी भी जाओ आपको रश मिलेगा. और फाइनली शुरू हो गई ब्लेजर्स की बौछार, मतलब लिटरली एवरी अदर शॉप हैज़ कोट्स, ब्लेजर्स, ओवर कोट, ट्रेंच कोट्स. अगर आप अच्छे ओवर कोट लेना चाहते हो ना, कहीं आप विंटर वेकेशन पर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, सरोजनी इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ के अफोर्डेबल रेट्स अलग ही होते हैं. एंड नॉट जस्ट विंटर वेयर, आपको ऐसे सेमी समर, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल वाले समर वेयर ब्लेजर्स भी इजीली मिल जाएंगे जो ज़्यादा बुलन नहीं होते. सो वैरायटी काफ़ी अच्छी थी. इसके अलावा काफ़ी सारे आपको ऐसे स्टैंड्स दिखेंगे जो 150-200 में भी चीज़ें सेल करते हैं, बट ये जो 100-200 वाले होते हैं इनको आपको बहुत ध्यान से देखना होता है बिकॉज मोस्टली इनके जो डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं ना, ये ऐसे वाले स्टैंड्स पे लगा देते हैं जो और सस्ते में मिलते हैं. सो या सरोजनी की टिप है, जब भी जाओ मेक श्योर यू आर चेकिंग ईच आइटम वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज यू रियली डोंट नो कि इसमें क्या डिफेक्ट निकल जाए. फाइनली हम एंटर कर गए ग्रफिटी लेन से मार्केट के अंदर. ये सेंटर से गली जाती है जहाँ से अंदर की मेन लेन जो मार्केट है वो शुरू होती है. ग्रफिटी लेन काफ़ी फेमस है, जहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है आपको ब्लेजर्स की. अगेन आपको ऐसे वाले स्टैंड दिख जाएंगे. सो हम मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट मुड़ गए, ग्रफिटी लेन से लेफ्ट मुड़ गए. वहाँ पे हमें ये डेनिम्स की शॉप दिखी और ये जो पूरी एक शॉप है बहुत बड़ी फेमस शॉप है. अंदर घुसते ही लिटरली ऐसा लगता है आप कोई गुफा में आ गए हो. हमें दिखी ये भैया जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वुलन स्कर्ट्स रखी हुई थी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इन्होंने सेग्रीगेट करके रखी हुई थी साइजेस के हिसाब से, 28, 30, 34, तो ईजिली आप कुछ भी देख सकते हो. उनके पास डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, हमने भी स्कर्ट्स पिकअप करी हैं. एंड में इस वीडियो में हॉल भी आने वाला है, मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी मैंने क्या क्या परचेज़ किया. बट द होल कलेक्शन वॉज रियली नाइस. टाइम निकाल के आना, थोड़ा जल्दी आना बिकॉज सरोजनी इस टाइम विंटर्स का टाइम है, रात बहुत जल्दी हो जाती है, फिर लाइटिंग में आपको चीज़ें दिखती नहीं है, समझ नहीं आता. सो अर्ली मॉर्निंग आओ सो दैट आपको अच्छे से दिखे. फिर वापस हम बिक्सी के सामने आ गए. नाउ ये जो बिक्सी का शोरूम है ना, उसके सामने एक है हिडन जेम, एक सामने पतली सी गली जाती है और उस गली में एंटर करते ही आपको दिखते हैं बहुत सुंदर सुंदर पिलो कवर. मैं जब भी सरोजनी जाती हूँ यहाँ पर ज़रूर आती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने यूट्यूब सेटअप के लिए अलग अलग पिलो कवर्स लेना. और इस बार भैया के पास थे बहुत अच्छे क्रिसमस कलेक्शन के पिलोज एंड पिलो कवर. आप पिलो भी ले सकते हो 200 का, कवर भी ले सकते हो 100 का. फिर बाहर आके हमने थोड़ी सी और मार्केट एक्सप्लोर करी. हमें लग गई थी भूख तो हम मिड मार्केट से ही वापस आ गए थे मॉल में खाना पीना लेने. मैंने मास्क भी लगा लिया था बिकॉज इतना ज़्यादा रश था, बहुत मुझे सफोकेटिंग फील हो रहा था, पॉल्यूशन भी था. इसके अलावा खाने पीने के पूरा करने के बाद हमने वापस आके, थोड़ी सी शाम हो गई थी, रात होनी शुरू हो गई थी, थोड़ी बहुत ज्वेलरीज और एक्सप्लोर करी, देखा क्या क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है. अगर आप इंडियन वेडिंग के लिए ज्वेलरी लेना चाहते हो ना, डेफिनेटली विजिट सरोजनी. ये बाहर वही रेन है जो बाहर यू शेप में मार्केट लगी होती है, ये वो वाली शॉप है, उसने आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो. और ये पूरा घूमते घूमते हमें इतना टाइम हो गया था कि लिटरली रात ही हो गई थी और रात होते होते फिर आपको कुछ मिलता नहीं है. सो हमने थोड़े से फ्रूट्स खाए एंड वी वेंट बैक होम. मेनी टिक टैक्स लेटर.
एंड इट्स टाइम फॉर द हॉल. हम काफ़ी लेट गए थे मार्केट में. यूजली आप ऐसी मार्केट जब जाओ ना, लाइक लोकल मार्केट्स हो गए, सरोजनी, लाजपत, आई ऑलवेज रिकमेंड अर्ली मॉर्निंग जाओ, बिकॉज अब सर्दियाँ शुरू हो गई है. 5 o'clock, 6 o'clock ना अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑफकोर्स फिर आप लोकल मार्केट में ईजिली शॉप नहीं कर सकते. सो सरोजनी हम काफ़ी लेट गए थे, 2:30, 2 बजे के अराउंड तो हम वहाँ पर पहुँचे ही थे. सो काफ़ी लेट हो गया था. अगर आपको प्रॉपर शॉपिंग करनी है ना सरोजनी की, आप एक दिन निकाल रहे हो तो कोशिश करो वीकडे में निकालो. सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है. इनफैक्ट हम वेनसडे गए थे, वेनसडे भी इतनी भीड़ थी. 2 मेट्रो के एग्जिट हैं सरोजनी जाने के लिए. सरोजनी अगर आपको नहीं पता, डायरेक्ट मेट्रो आ चुकी है, आप पिंक लाइन पे जा सकते हो. कहीं से भी आपकी पिंक लाइन कनेक्ट होती है आप सरोजनी नगर जा सकते हो. सो जब हम उतरे, हम पीछे वाले गेट से उतर गए. सो पीछे वाले गेट से फ्रंट जो सरोजनी मार्केट है वहाँ तक वॉक करके जब हम आए, इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, लाइक आई कांट इवन टेल यू. वो एक अलग ही मार्केट थी एंड आई थिंक वहाँ पे बेटर रेट्स थे. सो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ना ज़्यादा, जो मेट्रो के पास मार्केट लगती है ना वो ज़रूर एक्सप्लोर करना. लेट्स स्टार्ट विद सरोजनी हॉल. बैग काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इतना सामान है नहीं. मैंने इस बार बहुत पिकी होकर चीज़ें ली है. जो चाहिए खाली वो लिया है. वो मेरा कॉलेज टाइम वाला फेज अब खत्म हो चुका है कि अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो. फिर बाद में वो चीज़ें पहनती नहीं हूँ. आई एम लाइक यार इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, ये तो डिफेक्टिव निकला, ये ऐसा लग रहा है. सो मैं बहुत सोच समझ की चीज़ें पिकअप करती हूँ जो मुझे पता है मैंने शॉर्ट शॉर्ट पहननी ही पहननी है. ओके लेट्स स्टार्ट विद ब्लेजर. नाउ इस टाइम पे ब्लेजर या फिर ओवर कोट आप बोल सकते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू सरोजनी अगर आप ओवर कोट्स ब्लेजर्स लेना चाहते हो. तो मैंने जो ये ब्लेजर लिया है मार्केट के बाहर ही लिया है, जो मेट्रो स्टेशन से वॉक करके जाते हैं बेसिकली. वहाँ पे वो 300 ईच के दे रहे थे. सो मैंने एक लिया, मेरी फ्रेंड ने एक लिया. मुझे ये टैन कलर का ब्लेजर चाहिए था काफ़ी टाइम से, बिकॉज आई रियली लव सच कलर. सबके साथ जाता है, सुंदर भी लगता है एंड ओवरऑल इसकी मुझे फिट बहुत अच्छी आई है. तो क्वालिटी इज़ गुड. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिफेक्ट है, कुछ नहीं है. मैं खाली इसको अच्छे से ड्राई क्लीन करा लूँगी और उसके बाद इसकी लुक काफ़ी अच्छी आने वाली है. स्लीव्स आर रियली नाइस. ये भी वो डबल बटन वाली है, तो आप इसको बंद करके एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हो. मैं आप इंसर्ट करके दिखा दूंगी कि ये पहन के कैसा लग रहा है. ओवरऑल इसकी फिट बहुत अच्छी है एंड फॉर 300 दिस इज अ स्टील डील. जब हम मार्केट के अंदर गए ना, वहाँ पे तो सेलर्स 400-500 से नीचे कुछ भी नहीं दे रहे थे. एक या दो सेलर होंगे जो सरोजनी की लेन है अंदर जाते हैं, ग्रफिटी लेन आती है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर बहुत सारे ब्लेजर्स थे. वो शायद आपको बार्गिन करते करते 300-350 पे आ जाए, बट ऑनेस्टली इससे कम कोई नहीं आता. सो 300 मेरे अकॉर्डिंग इसकी बेस्ट डील थी जो हमने ली है. तो आई पिक्ड अप दिस क्यूटी पिलो कवर. मैं जब भी सरोजनी जाती हूँ ना, हमेशा ये वाली शॉप पे जरूर जाती हूँ. ये एक हिडन शॉप है, बहुत कम लोगों को पता है, बट आई थिंक सबको जाना चाहिए जिनको भी होम डेकोर, पिलोस, कुशन लगाने का शौक है. सो जब भी आप सरोजनी की मेन मार्केट में एंटर करते हो, जो ग्रफिटी लेन है जहाँ पे लिखा होता है येलो कलर से सरोजनी मार्केट, उस लेन से जब आप एंटर करते हो, एंटर करते ही सबसे पहले आपके सामने राइट पे एक मंदिर आता है, उसके साथ आता है बिक्सी. बिक्सी इज अ वेरी ह्यूज शोरूम. सो बिक्सी के जस्ट ऑपोजिट ही एक पतली सी गली जाती है जहाँ पे एक भैया नाइट वेयर रख के बैठे होते हैं, कॉट सेट्स, और उसी लेन के अंदर जाके, मतलब ज्यादा नहीं चलना, बिल्कुल सामने ही अंदर जाते ही एक पिलो की पूरी शॉप आ जाती है, जो पिलो कवर्स भी देते हैं और कुशन्स बेसिकली कॉम्बिनेशन बना के भी देते हैं. सो अगर आप खाली पिलो कवर लोगे आपको 100 रुपीज का मिलेगा, अगर आप कुशन के साथ लोगे तो आपको 200 समथिंग का मिलेगा. मेरे पास ऑलरेडी एक रखा ही है तो मैं उसके ऊपर ये बेसिकली लगा दूंगी. ये मैंने स्पेसिफिकली क्रिसमस के लिए लिया है, मुझे बहुत क्यूट लगा. अगर आप अभी कोई भी क्रिसमस पार्टी के लिए, क्रिसमस थीम के लिए पिलो कवर्स ढूंढ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट शॉप बिक्सी के ऑपोजिट गली में. आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलने वाली है. मैंने पिकअप किया ये क्यूटी सा क्रिसमस वाला पिलो कवर. यहाँ पे ऐसे टैसल्स बने हुए हैं जो काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं एंड इट हैज दिस क्रिसमस ट्री पैटर्न गोइंग ऑन जो बहुत प्रिटी लगता है. उनके पास सेट्स भी थे, सो अगर आप इसके 4, 5, 6 जितने भी सेट्स हैं वो लेना चाहते हो ले सकते हो. ये मुझे मिला है 100 रुपीज का एंड उनके फ्लैट प्राइजेस हैं, वो कम नहीं करते, बहुत मुश्किल से भैया कम करते हैं. 50 रुपीज भी आई थिंक नहीं कम करेंगे वो, उनके फ्लैट रेट होते हैं 100 और 200. तो या ज़्यादा बार्गिन का इतना स्कोप नहीं है. इट हैज़ अ जिपर एट द बैक विच इज गुड, अच्छी क्वालिटी की जिपर भी. ऐसे कोई लोकल वाले ये कुशन कवर नहीं है, दे आर ऑफ रियली गुड क्वालिटी. यही चीज़ अगर मैं वेस्ट साइड या किसी और स्टोर से लूँगी तो ऑफकोर्स ये 500-600 से नीचे नहीं आएगी. कुशन कवर के बाद हम वापस पीछे की तरफ आ गए, जो मेन टी पॉइंट है मार्केट का, उसके बाद हम लेफ्ट मुड़ गए. सो लेफ्ट में मुड़ते ग्रफिटी लेन से जो आप एंटर करोगे मार्केट में, आपको लेफ्ट में मुड़ना है और लेफ्ट में मुड़ते ही राइट साइड पर आपको एक बहुत बड़ी शॉप मिलेगी जो अंदर तक पूरी ऐसी गुफा की जैसी शॉप है, काफ़ी फेमस है. उसके अंदर जाके आप जाओगे ना, एक पूरा टर्न जैसी शॉप बनी हुई है और वहाँ पर एक भैया बैठे हुए थे जिन्होंने स्कर्ट्स रखी हुई थी. मैं उनका शॉप नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. एंड स्कर्ट्स उन्होंने खाली ऐसे मिक्स करके ही रखी हुई थी, लाइक आप यूजली कहीं भी जाते हो आपको बहुत मिक्स मिलती हैं, आप फिर निकालते हो, आप देखते हो अच्छा ये तो मेरा साइज ही नहीं है. वो भैया ने लिटरली एक एक साइज के हिसाब से सब कुछ सेग्रीगेट करके रखा हुआ था. सो 28 वेस्ट 30 32 ऐसे उन्होंने सारे वेस्ट साइज के हिसाब से सारी स्कर्ट्स रखी हुई थी, वुलन विंटर वेयर जो स्कर्ट्स होती है. सो मैंने और मेरी फ्रेंड ने स्कर्ट्स पिकअप करी एंड दिस इज द वन दैट आई गॉट. ये मेरा वेस्ट साइज नहीं है बिकॉज जो 28 और 30 वाली थी वो मैंने थोड़ा मेजर करके देखी, मुझे बहुत
टाइट लग रही थी बिकॉज आई हैव ब्लोटिंग इशू, और जहाँ पे स्कर्ट का बेसिकली वेस्ट आता है वहाँ से मुझे फिर वो बहुत टाइट आती है. सो मुझे जब ये दिखी इन द 30 वेस्ट साइज आई पिक्ड इट अप. पीछे इसमें इलास्टिक भी है. माय मॉम सेड ये टॉवल जैसी लग रही है, बट ऐसा नहीं है. इट इज लाइक दिस, जो विंटर का ऐसे स्टफ नहीं आता, हल्का सा वुलन वुलन जैसा लगता है. मैं इसको एक ब्राइट कलर के स्वेटर के साथ पेयर अप करने वाली हूँ. जब भी समझना आए ना, आइदर पिकअप व्हाइट और ब्लैक, विंटर के सबसे बेसिक कलर होते हैं. बिकॉज ऐसा भी अगर आप कोई भी कलरफुल कोट पहनोगे, उसके आती है व्हाइट स्कर्ट पहनोगे, बहुत प्रिटी लगेगी. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. साइड में जिप है, हुक है, पीछे इलास्टिक है, तो मुझे स्ट्रेच भी अच्छा मिलेगा. जब भी मुझे ब्लोटिंग एंड ऑल के इशू होंगे तो मैं इजिली बैठ सकती हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत सफोकेटेड फील होता है. शॉप से बाहर आते हुए सबसे बाहर वाली जो वहाँ पे शॉप थी, मुझे ये वुलन पैंट जो मुझे चाहिए थी, ग्रे कलर की वुलन पैंट जो काफी स्मार्ट लगती है. अगेन आप किसी भी स्वेटर के साथ टक इन कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. इट इज लाइक थिक दोज पैंट्स. मैंने H&M में भी ऐसी पैंट देखी है, वो मटेरियल ऑलमोस्ट लाइक बाहर से ऐसा फील होता है लेकिन वो बहुत पतला था. इट वॉज नॉट वॉर्म, वो ऐसा लग रहा था फैशन के लिए है. और वो H&M में थी, आई थिंक 2,000 या 2,500 की वो ट्राउजर मिल रही थी. बट आई गॉट दिस वन ऑन अ रियली नाइस डील. आई थिंक ये मुझे भैया ने 200 या 250 के दिया. आई एम नॉट रियली श्योर, मैं सबके प्राइस यहाँ पर डाल दूंगी. आई एम रियली बैड with prices. मैं इसलिए कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी शूट कर लूँ, बिकॉज इतना डिले होता जाएगा मैं भूल जाऊंगी. सो नेक्स्ट शॉप जो उसकी काफी क्लोज थी, मुझे एक्जैक्टली वो शॉप नंबर नहीं याद, लेकिन रैंडमली मुझे स्वेटर वहाँ पे दिख गया था. वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, जो पाइल्स रखे होते ना वहाँ पे रखा हुआ था पिंक कलर. इतना प्यारा, मुझे ये हॉट पिंक कलर काफी सुंदर लगता है. और यहाँ पे ऐसे पर्ल्स के बटन बने हुए हैं, और ये स्लीव्स कुछ ऐसी है जो काफी मुझे यूजलेस लगी, बिकॉज ऑफकोर्स ना ये विंटर में चलेगी ना समर्स में, बट इसको मैं कोट के साथ लेयर कर सकती हूँ. बट मुझे बड़ी क्यूट लगी है. सो मेरी फ्रेंड ने कहा चाहिए, मैंने कहा अच्छी लगी, मैंने कहा 100 में देगा ना तो मैं ले लूंगी. तो हमने रैंडमली भैया को बोला, भैया ये कितने की ही सेट. ऑफ कोर्स जब वो फर्स्ट रेट लगाते हैं तो बहुत वीक फिगर आपको देते हैं, 350-250 की मिल जाएगी. एंड वी लाइक 100 में देना तो बताओ. एंड ही वाज लाइक अच्छा ठीक है ले जाओ. सो यार कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, अरे मान गए, बड़े ईजिली मान लिया. सो यार ये भी स्वेटर वही था जिसमें भैया ईजिली मान गए. नेक्स्ट अप वी हैव अ ट्राउजर. सो काफी सारे ना स्टॉल्स लगे होते हैं बीच बीच में, जैसे 100 रुपीज 150 250 ऐसे फिक्स वाले स्टॉल्स होते हैं. तो एक ट्राउजर का पूरा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे 200 रुपीज में फ्लैट आपको सारी जो भी ट्राउजर्स थी वो लगी हुई थी. सो उसमें मुझे दिखा ये बेसिकली, जिसको मैं ज्यादातर अपने घर पे पहनने वाली हूँ, बिकॉज मुझे घर के लिए भी ऐसे पॉकेट वाले पैंट्स चाहिए होते हैं. कभी कभी इधर उधर जाना हो फॉर ग्रोसरी रन्स, लाइक जीन्स पहनने का मन नहीं है, तो कुछ एक डिसेंट ट्राउजर फॉर्मेट में होना चाहिए. तो मुझे काफी सही लगी इस पे, वो एकदम फॉर्मल वाला, वो चेकर्ड वाला ऐसे प्रिंट जा रहा है. नीचे से हल्की सी टाइट है बट ऊपर से एकदम बैगी है, बड़ा साइज है. वी हैव गुड पॉकेट्स ऑन बोथ साइड, पीछे भी इसमें पॉकेट है, ड्रॉ स्ट्रिंग है जिससे फिटिंग काफी अच्छी आ सकती है. ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी. सो आई पिक्ड इट अप फॉर 200 रुपीज, नॉट अ बैड डील. सो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमें भूख भी लग गई थी, तो लिटरली मार्केट के मिड से ही, हम एंड पॉइंट तक भी नहीं गए, मार्केट के मिड से ही हम पीछे की तरफ बाहर आ गए थे. और फिर हम खाने चले गए थे, वहाँ पे एक मॉल है जहाँ पे काफ़ी सारे डोमिनोज KFC सब कुछ है. सो खाने के बाद दोबारा मार्केट में गए, और इस बार हमने उनका आउटर यू जो शेप है बेसिकली मार्केट की वो एक्सप्लोर करी. सो बाहर की साइड वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ था, मैं इस वीडियो में इंसर्ट भी कर दूंगी पास वाली दुकान कौन सी है. वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंडियन इयररिंग्स थे जो एथनिक वाले होते हैं, शादी के लिए पार्टी के लिए, वेस्टर्न भी थे, ऑक्सीडाइज वाले के भी थे. सो मुझे अंदर पसंद आया ये पोलकी का बड़ा सुंदर सा वाइट इयररिंग, जो मुझे काफी टाइम से चाहिए था, बिकॉज वाइट इज अ कलर, जब कुछ नहीं समझ आता है कि इस आउटफिट के साथ कोई कलर मैच नहीं हो रहा है, यू कैन वेयर वाइट. सो मुझे बहुत सुंदर लगे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट हैज दिस ब्यूटिफुल पोलकी वर्क गोइंग ऑन. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स नॉट दैट लोकल वाला हल्का सस्ता, नहीं. वो भैया ने तभी इतना ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करी, बिकॉज ही सेड ये बहुत हमारा क्वालिटी वाली कलेक्शन है, हम इसको इससे लोअर रेट पे नहीं देंगे. ही फर्स्ट कोटेड अराउंड 550 or 450 अराउंड उन्होंने कोट किया, देन ही केम डाउन टू 350 एंड वी लाइक नहीं 300 प्लीज 300 में दे दो. सो फाइनली वो कन्विंस हो गया कि चलो 300 में ले जाओ. ही सेड बेस्ट रेट है, इससे कम तो कहीं नहीं मिलने वाला. सो आई गॉट दीज इयररिंग्स फॉर 300. नॉट रियली श्योर कि इससे कम मिलता है नहीं मिलता, बट ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका वर्क है, मुझे बहुत सुंदर लगा. एंड इट इज समथिंग जो सारे आउटफिट के साथ जाएगी, और मेरा जो फेस शेप है ना उसके साथ ये वाले झुमके अच्छे भी लगते हैं. सो आई रियली एक्साइटेड टू वेयर इट फॉर दिस वेडिंग सीजन. उसी इयररिंग स्टॉल के थोड़ा सा और आगे जाके एक भैया बैंगल्स रख के बैठे थे, जो रेडीमेड सेट्स होते हैं बेसिकली. उन्होंने कुंदन के बैंगल्स भी थे, थोड़े फैंसी भी थे, फिर ऐसी मेटल की चूड़ियां भी थी. उन्होंने प्रॉपर एक सेट बना के रखा हुआ था. सो मैंने ये पूरा सेट पिकअप कर लिया फॉर 100 रुपीज. फ्लैट रेट था, आप कोई भी ऐसा मेटल का सेट लोगे वो 100 रुपीज के थे. एंड द बेस्ट पार्ट इज उनके पास साइजेस भी थे, तो मैंने अपने बेसिकली साइज के हिसाब से ये वाला सेट पिकअप किया, और मुझे देखते ही बिल्कुल पसंद आ गया. बिकॉज मुझे, मैंने जो अभी संडे को वेडिंग में लहंगा पहना था वो बिल्कुल ग्रे टोन, उस पर गोल्डन वर्क था, हल्का सा
उस पर सिल्वर काम था, ये एग्जैक्ट वही मैच था। मैं सरोजनी जाने से पहले वो हैंग भी करके गई थी लहंगा कि थोड़े दिन हैंग रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सो मुझे याद था कि वो कलर बिल्कुल मैच होने वाला है। सो मैंने पूरा सेट ले लिया और मैंने अभी पहना भी था संडे वेडिंग में, मैं यहाँ पे पिक्चर भी का इंसर्ट कर दूंगी। मेटल की चूड़ियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की है, एंड द एंटायर सेट फॉर 100 rupees इज नॉट एट ऑल अ बैड डील। मैं तो नेक्स्ट टाइम जब सरोजनी जाऊंगी मैं स्पेसिफिकली ऐसे और कलर्स लेके आऊंगी। एंड विद द हॉल मैंने ये बैग भी खरीद लिया था बिकॉज इतना सारा सामान था जो फिट नहीं आ रहा था हाथों में। ये वहाँ पे फ्लैट रेट 100 rupees के मिल जाते हैं। यूजली ऐसे वाले बैग अगर आप कहीं मार्केट कहीं बाहर से लोगे ना फिर वो 150-200 से कम नहीं मिलते, बट सरोजनी में आप इजिली एक इतने सारे सेलर्स वहाँ पे घूम रहे होते हैं वो इजिली 100 rupees में मान जाते हैं। और ये वैसे भी काम आता है बिकॉज बड़े बड़े बैग हैं, स्टोरेज में काम आते हैं, कुछ ना कुछ रखने में काम आते हैं। सो या इसके अलावा मैंने क्लचर्स भी लिए थे, आई गेव इट अवे टू माई मॉम बिकॉज उनको अच्छे लग रहे थे, मैंने वो पर्ल वाले लिए थे। वहाँ पे बिल्कुल मार्केट में एंटर करने से पहले ही एक भैया थे जो क्लचर्स रख के बैठे हुए थे 100 rupees के 4। सो आप कोई भी 4 उस एंटायर सेट में से पिकअप कर सकते हो, 4 बेसिकली। सो मैंने उसमें से बेसिकली 2 मेरी फ्रेंड ने, 2 मैंने पिकअप किए थे। आई हैव 1 लेकिन वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे, पर्ल वाला आई गेव इट अवे टू माई मॉम। मैंने एक प्लेन वाला लिया था, द क्वालिटी इज गुड, फनी वाले भी बहुत अच्छे, उनके पास क्लचर्स थे जो विंटर में आप स्वेटर के साथ मैच कर सकते हो। सो या एज आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो, मार्केट तो एक्सप्लोर करना लेकिन मेट्रो से लेके मार्केट तक का जो बेसिकली बीच का डिस्टेंस है ना वो तो जरूर एक्सप्लोर करना। सो माई हॉल एंड माई एंटायर एक्सपीरियंस, इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लोर द होल मार्केट इन वन डे, एंड एकदम आप चीज़ें पिकअप नहीं कर सकते। मैं अब बहुत स्पेसिफिक हो गया हूँ, मुझे कुछ भी हल्का फुल्का डिफेक्ट दिखता है या फिर लगता है नई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट पिकअप। आपने इस वीडियो में भी कुछ भी अननेसेसरी होल्डिंग नहीं देखी होगी बिकॉज अब मैं वो नहीं करती। आई प्रेफर कि चलो मैं थोड़ा सा और पैसे डाल के थोड़ा बेटर क्वालिटी में कुछ ले लेती हूँ जिसको मैं बार बार पहन सकूँ। सो या थोड़ा दिमाग यूज़ करके जाना सरोजनी, जस्ट बिकॉज समवन इज शोइंग यू ऑन यूट्यूब कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ब्लाइंडली जाके पिकअप नहीं करना चाहिए। जस्ट सी द क्वालिटी इफ इट इज़ वर्थ बाइंग और नॉट। एंड या इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द मार्केट यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।